हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो जितने बेस्ट फ्रेंड्स जो बिहार वन रक्षक या वनपाल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का जीके का ऐसे प्रश्न को लेकर आया फ्रेंड्स, जिसका 100% चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप कैसे प्रश्न को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, वन रक्षक के लिए भी है, वनपाल के लिए भी है, जीके का भी है, जीएस का भी है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है ये आपको पता नहीं है, ठीक है? कम समय में सिर्फ ऐसे प्रश्न को पढ़ा जाता है फ्रेंड्स, जिसका चांस हो कि एग्जाम में पूछे। तो अगर ऐसे ही प्रश्न को आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर हर रोज दो वीडियो अपलोड होता है फ्रेंड्स, एक सामान्य ज्ञान का जीके का और एक जीएस का, ठीक है? तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद शाह तुगलक, कौन था फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा कि नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है? आगे, योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है? क्या होगा आंसर इसका? तो मैं आंसर बता दूं, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है? नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? 1954 में या फिर 1959 में? क्या होगा आंसर? तो मैं आंसर बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 में हुआ था, ठीक है? आगे, सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, कोलंबो में हुआ था या फिर न्यूयॉर्क में हुआ था? क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर? तो मैं सही आंसर बता दूं, यह कोलंबो में हुआ था, ठीक है? सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? क्या होगा आंसर? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? मुंबई में या फिर रुड़की में? क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? तो मैं आंसर बता दूं कि रुड़की में स्थित है, ठीक है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप है या फिर एशिया महाद्वीप है? कौन महाद्वीप है फ्रेंड्स? तो सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप है, ठीक है? एशिया महाद्वीप है। आगे, चार मीनार कहां स्थित है? चार मीनार कहां स्थित है फ्रेंड्स? हैदराबाद में या फिर दिल्ली में? चार मीनार कहां स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट, रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? रेगिस्तान में वन रोपने में क्या बाधा होती है फ्रेंड्स? कम वर्षा या फिर अधिक वर्षा? तो सही आंसर हो जाएगा कम वर्षा, ठीक है? नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग जो होता है फ्रेंड्स लाभ में रहता है? तो आंसर हो जाएगा व्यापारी वर्ग, ठीक है? नेक्स्ट, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, इस्पात का प्रथम कारखाना भारत में कहां पर स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में या फिर टाटा में? क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में, ठीक है? याद रखिएगा। आगे, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल होगा या फिर गेहूं होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा इसका कि चावल होता है, ठीक है? चावल होगा। आगे, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है फ्रेंड्स? रुपया या फिर येन? क्या होगा आंसर? तो आंसर फ्रेंड्स बी होगा, ठीक है? येन, जापान की मुद्रा का नाम जो है फ्रेंड्स येन है, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग कब गठित हुआ था? योजना आयोग कब गठित हुआ था फ्रेंड्स? 1950 में या फिर 1952 में? कब हुआ था गठित? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1950 में हुआ था, ठीक है? आगे, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा यमुना या फिर कांगो। क्या होगा आंसर? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? आंसर हो जाएगा कांगो नदी, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में या फिर सिनेमा के क्षेत्र में? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट,
भरत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भरत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सरोजिनी नायडू या फिर सुषमा स्वराज? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर याद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से या फिर अलकनंदा के नाम से? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने ये रहा, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी या पृथ्वी एवं मंगल ग्रह के मध्य की दूरी? तो सही आंसर हो जाएगा खगोलीय एकक जो होता है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। ठीक है, आगे, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे फ्रेंड्स, नाना साहब थे या फिर हर्षवर्धन? क्या होगा आंसर इसका? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा नाना साहब। ठीक है, आगे, हिंसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया? हिंसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था, चाणक्य के शासनकाल में या फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में? क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसांग ने भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, तो फ्रेंड्स यही वो टॉप प्रश्न था फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।